रोहित शर्मा के साथ में हुई नाइंसाफी। दरअसल दोस्तों आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि रोहित शर्मा को टीम इंडिया से बाहर निकाल दिया गया है। आखिरकार वो दिन आई गया है जब आखिरकार रोहित शर्मा को टीम से बाहर होना पड़ा। रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया से मिली बड़े कम हार के साथ ही टीम इंडिया से बाहर निकल आता दिखा दिया गया है। अब उनसे कप्तानी भी छीन ली गई है। इसके साथ ही रोहित शर्मा से एक और बड़ा झटका लगा है। रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की टीम की कप्तानी भी छीन ली गई है। अब ये बहुत तगड़ा फैसला लिया गया है, यानी कि रोहित शर्मा को टीम इंडिया से भी हटा दिया गया है और मुंबई इंडियंस से भी हटा दिया गया है। रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली गई है। रोहित शर्मा को गुजरात टीम में भेजा जाएगा और गुजरात से हार्दिक पांड्या को मुंबई में लिया जाएगा। यानी कि मुंबई इंडियंस सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा में नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या में अपना फ्यूचर देख रही है। और ये तो हो ही सकता था कि रोहित शर्मा 3-4 साल के लिए भी मुंबई की कैप्टनसी कर सकते थे। और वैसे भी अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या रोहित शर्मा का करियर T20 में परमानेंट खत्म ही हो जाएगा या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया है तो फिर रोहित शर्मा के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि रोहित शर्मा क्या हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेल पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। सभी के मन में यह सवाल बड़ा जोर से उठ रहा है कि रोहित शर्मा अपने से छोटे खिलाड़ी की कप्तानी में खेल पाएंगे या नहीं, और क्या वो अच्छे से परफेक्ट फिट हो पाएंगे या नहीं। क्योंकि विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है जो फिट हो चुका है और उसने कह भी दिया है कि मैं किसी और फ्रेंचाइजी से नहीं खेलूंगा। पर क्या रोहित शर्मा ऐसा कर सकते नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाय द वे, थैंक्स फॉर वाचिंग।